अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलहा फ्रॉम स्टार सिटी डॉट पी के। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शार्प एक्वास R5G। R5G का हम थोड़ा सा मिनी रिव्यू करेंगे और आपको इसकी बेसिक प्राइस डिटेल और स्पेसिफिकेशन से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी हैंडी, स्लिम और स्लीक सा डिज़ाइन है। और जो है आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके इसका डिज़ाइन है। ब्लैक इसका फ्रंट है, वाइट इसका बैक है। अगर ब्लैक कलर में लेते हैं तब भी ऐसा ही है कि ब्लैक इसका फ्रंट है और बैक जो है इसका ब्लैक कलर में है। हम आपको इसके जो है डिज़ाइन के बारे में बताते हैं। ऊपर इसके दिया हुआ है 3.5 mm का ऑडियो जैक। सिम आप जो है इसके लेफ्ट साइड से इंसर्ट करेंगे। पीछे आप इसके देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पीकर है और यहाँ पे जो है USB टाइप सी चार्जिंग है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। यहाँ पे इसके पावर बटन दिया हुआ है और ये इसके वॉल्यूम बटन है। हम आपके इसके बात करते हैं अब कैमरास की। कैमरा जो इसका 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, फिर 12 मेगापिक्सल का एक लेंस है, फिर 12 मेगापिक्सल का दूसरा लेंस है और डुअल फ्लैश है, डुअल फ्लैश के साथ है आयरिस सेंसर के साथ। तो कैमरा इसका काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका। अब हम आते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। अब हम इसके डिस्प्ले आपके उसके बारे में बताते हैं कि जो फ़ोन है 6.5 इंचेस का इसमें डिस्प्ले दिया गया है और 6.5 इंचेस का इसमें IGZO डिस्प्ले है विद रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्ज़ का इसके रिफ्रेश रेट है। और ये बेसिकली गेमिंग फ़ोन है, एज ए गेमिंग फ़ोन ही पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि जो जैपनीज़ फ़ोन होते हैं क्या इनमें सिम वर्क करती है पाकिस्तान में। बिल्कुल, पाकिस्तान के सारे नेटवर्क इसमें सपोर्टेड होते हैं, सारी सिम चलती हैं। ये वैसे नॉन PTA फ़ोन है, इसमें 2 महीने सिम चलेगी, इसके बाद आपको इसकी ड्यूटी पे करनी होगी। ड्यूटी इसकी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मोस्टली लोग जो इसको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। गेमिंग के लिए बहुत अच्छे क्योंकि आपको इसमें बताता चले स्नैपड्रैगन 865 है विद 120 हर्ट्ज़ ऑफ रिफ्रेश रेट। तो ये आपको जिस तरह की परफॉर्मेंस देगा आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको गेमिंग के लिहाज से बहुत ही पसंद आने वाला फ़ोन है। हम आपको इसके बारे में बताते चलते हैं। इसकी जो बैटरी है 3730 mAh की इसकी बैटरी है। रैम जो है इसकी, स्टोरेज आपको बताया था, स्टोरेज इसकी 256 है और रैम जो है इसमें, रैम जो दी गई है वो इसमें 12 GB की रैम है, 12 GB इसमें रैम है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें 8 octa-core प्रोसेसर है इसका और जो है इसमें आपको डिवाइस 5G सपोर्टेड फ़ोन है। ये शार्प का 5G सपोर्टेड फ़ोन है। रैम आप इसमें देख सकते हैं 12 GB ऑफ रैम है इसमें, 12 GB इसमें रैम है। एंड्रॉयड इसका 11 है, एंड्रॉयड इसमें 10 और 11 दोनों बिल्कुल सपोर्टेड है। बैटरी आप इसकी देख सकते हैं, बैटरी हेल्थ भी गुड है, 3730 mAh की इसकी बैटरी है। इसके साथ साथ हम आपको बता चले फ्रंट कैमरा जो इसका 12 MP है विद नॉच डिस्प्ले, आप देख सकते हैं नॉच डिस्प्ले ये। तो यहाँ पे इसका जो है कैमरा दिया गया 12 MP। यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। स्नैपड्रैगन 865 है, गेमिंग के लिहाज से बेहतरीन फ़ोन है और जो है इसमें फास्ट चार्जिंग वगैरह भी सबको सपोर्टेड है। ये आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में starcity.pk पर अवेलेबल है। हमारे पास इसकी प्राइस जो है वो है 38,000 January 2020, 38,000 इसकी प्राइस है। ये आपको मिल जाएगा ऑल ओवर पाकिस्तान, हमारी डिलीवरी भी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान से, आप जहाँ ऑर्डर करेंगे मिल जाएगा पीस हमारे पास इस तरह की कंडीशन में। आप देख सकते हैं बिल्कुल 10/10 कंडीशन है। ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।